हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानशु कौशिक एंड आई एम हियर ऑन योर यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु। अब देखिए, रीसेंट लेक्चर्स में जो हमने बात की है, यानी कि रीसेंट वीडियोस में हमने जो बात की है, उसमें हमने बात बताई है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उसमें हमने बताया सेंटेंसेस के बारे में, उसमें हमने नाउन के बारे में बताया है, नाउन के टाइप्स के बारे में बताया है, उसके अलावा नंबर्स ऑफ नाउन का लेक्चर हुआ है और बात की गई है जेंडर के बारे में। ठीक है, तो ये टोटल जितनी भी बातें बताई गई हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के ये वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, और चूंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, तो जब तक आप पिछला टॉपिक नहीं क्लियर करेंगे, तब तक आपको अगला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था रूल्स ऑफ नाउन को। ठीक है, नाउन्स के रूल बताए गए थे कि कितने रूल्स होते हैं, कौन कौन से रूल्स हुआ करते हैं। अब बात करते हैं आगे की, और आगे की बात क्या है, तो नाउन के रूल्स के साथ साथ नाउन के केसेस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी नाउन को किस तरह से यूज किया जाता है केसेस के तौर पर। तो देखिए, अगर हम बात करें जनरली, तो जनरली नाउन के तीन केसेस हुआ करते हैं। कितने केस होते हैं? तीन केस हुआ करते हैं। अब कौन कौन से? तो देखिए, तीन केस में सबसे पहला जो केस हुआ करता है, उसका नाम हुआ करता है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस कह लें चाहे नॉमिनेटिव केस कह लें, बात एक ही है। वैसे ही दूसरा केस हुआ करता है जिसका नाम हुआ करता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा केस जिसका नाम हुआ करता है पजेसिव केस। ठीक है, तो बेसिकली तो तीन ही केसेस का जिक्र किया जाता है, यानी कि मोस्टली तीन ही केसेस की बात की जाती है। सबसे पहले नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा हुआ करता है पजेसिव केस। लेकिन हम बात करते हैं एक और केस की, और उस केस का नाम हुआ करता है क्या, तो चौथा केस की ओर बात करने जा रहे हैं, और चौथा केस जिसका नाम हुआ करता है वोकेटिव केस। तो जिन चारों केसेस के बारे में बात करेंगे, वोकेटिव केस, ठीक है, इन चारों केसेस के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे हम जान सकते हैं कि कौन सा केस कहां पर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे माना कि हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि राम इज वर्किंग इन IBM। राम इज वर्किंग इन IBM। अब राम इज वर्किंग इन IBM में हम देख पा रहे हैं ध्यान से कि सेंटेंस में नाउन का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन नाउन का जो इस्तेमाल हुआ है, हमें टाइप्स भी पता होने चाहिए कि कौन सा नाउन है, और वैसे ही हमें पता होना चाहिए कि कौन सा केस का नाउन है। तो अगर हम बात करें तो सेंटेंस में कितने नाउन इस्तेमाल हुए हैं, तो इस छोटे से सेंटेंस में दो नाउन इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहला नाउन इस्तेमाल हुआ है कौन? राम। और दूसरा जो नाउन इस्तेमाल हुआ है वो है ये शब्द IBM। और राम जो इस्तेमाल हुआ है वो भी नाउन है, और IBM जो है वो भी नाउन है। यानी कि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी नाउन की, कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, चाहे किसी स्थान का नाम हो, उसको हम क्या कहा करते हैं? नाउन कहा करते हैं। तो यहां पर भी हमने वैसे ही देखा कि राम जो है वो किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो डेफिनेटली नाउन होगा। अच्छा, कौन सा नाउन होगा? तो नाउन के पांच टाइप पढ़े थे, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। तो उनमें से कौन सा नाउन हो जाएगा ये? तो ये नाउन हो जाया करता है हमारा प्रॉपर नाउन। वैसे ही IBM जो शब्द है वो किसी कंपनी का नाम है, तो नाम है इसीलिए क्या है? नाउन है। और कंपनी का नाम है इसीलिए क्या हो जाएगा? कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर हम केसेस की बात करें, तो केसेस का मतलब ये हुआ करता है कि कहां पर, किस पोजीशन पर राम या फिर IBM का इस्तेमाल हुआ है। तो यहां पर हम ध्यान से देख पा रहे हैं कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और वोकेटिव केस, चार प्रकार के केस हैं हमारे। लेकिन अगर हम राम की बात करें, तो राम इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है? तो देखिए, बेसिकली सेंटेंस में जब हम डिवीजन करते हैं, सेंटेंस को जब हम बंटवारा करते हैं, तो सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को कह दिया करते हैं सब्जेक्ट, और एक को कह दिया करते हैं प्रेडिकेट। तो दो चीजों में डिवाइड कर दिया जाता है सेंटेंस को, एक सब्जेक्ट हुआ करता है और एक प्रेडिकेट हुआ करता है। यानी कि जो भी करता है वाक्य में, जो काम करने वाला है, उसको हम सब्जेक्ट कह दिया करते हैं, और उसके अलावा बाकी जितना भी पार्ट बचता है वो सारा कहलाता है क्या? प्रेडिकेट कहलाता है। और प्रेडिकेट में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, दो चीजें आ जाया करती हैं, यानी सब्जेक्ट तो अपना अलग ही रहेगा, लेकिन प्रेडिकेट में दो चीजें मेनली आ जाती हैं, एक तो वर्ब आ जाता है और एक हो जाता है क्या? ऑब्जेक्ट। यानी कि सेंटेंस तीन चीजों से, मेनली तीन चीजें तो सेंटेंस में होनी ही चाहिए, एक तो सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। और इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बनता, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बिना बन जाया करता है। लेकिन इस सेंटेंस में हमने देखा इसमें तीनों चीजें हैं। कौन कौन सी? तो हम ध्यान से देख पा रहे हैं कि राम जो है वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कौन? ये इन IBM ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहां पर ये इज वर्किंग जो है वो वर्ब का काम कर रहा है। यानी कि हमने देखा कि राम जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और चूंकि राम सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए यही शब्द राम जो होगा ये आपका हो जाएगा क्या? तो यही आपका हो जाएगा सब्जेक्टिव केस का नाउन। किस केस का? तो सब्जेक्टिव
केस का नाउन कहलाएगा कौन? राम, क्योंकि काम कर रहा है किसका? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। चाहे इसको आप सब्जेक्टिव केस कह लीजिए, चाहे आप कह लीजिए इसको नॉमिनेटिव केस। अब इसी तरह से बात करें आईबीएम, तो आईबीएम यहां पर सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा, आईबीएम काम कर रहा है किसका? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और चूंकि आईबीएम ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसीलिए यह कहलाएगा क्या? तो यह कहलाएगा ऑब्जेक्टिव केस का नाउन। ठीक है, तो दो प्रकार के नाउन हमें समझ में आ गए, यानी कि अगर नाउन सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है तो वो सब्जेक्टिव केस का, और अगर ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस का। बात कर लेते हैं तीसरे प्रकार के नाउन की, और तीसरा प्रकार का नाउन है हमारा पजेसिव केस का। अब पजेसिव केस क्या हुआ करता है? तो पजेसिव नाम से ही पता चल रहा है, पजेशन दिखाएगा। पजेशन किसको कहते हैं? तो अधिकार, यानी जब भी कोई चीज किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाया करती है तो उसको ही कहते हैं क्या? पजेसिव या पजेशन। अब जैसे हमने माना, एग्जांपल ले लिया हमने कि दिस इज मोहन्स कार। ठीक है, तो दिस इज मोहन्स कार, और यहां पर हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये जो मोहन शब्द है ये भी नाउन है, और ये जो कार शब्द है ये भी नाउन है, और मोहन इस कार पे अपना अधिकार दिखा रहा है कि दिस इज मोहन्स कार, यानी कि यह जो कार है वो किसकी है? मोहन की है। और मोहन चूंकि अधिकार दिखाने का काम कर रहा है, और अधिकार जो दिखाया जा रहा है वो किसकी वजह से दिखाया जा रहा है? तो दिखाया जा रहा है इस एपोस्ट्रॉफी एस की वजह से। अगर कहीं भी आपको इस तरह से ये कॉमा लगा हुआ दिखाई दे और एस लगा हुआ दिखाई दे तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है? एपोस्ट्रॉफी एस है। नीचे लगा हुआ हुआ करता है तो उसको कॉमा कहा करते हैं, और अगर इस तरह से ऊपर लगा हुआ हो तो उसको एपोस्ट्रॉफ कहा करते हैं। ठीक है, तो एपोस्ट्रॉफी एस के साथ हमें पोजीशन दिखा रहा है कौन? मोहन पोजीशन दिखा रहा है कार पर, यानी कि यहां पर जो केस इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा केस है? तो वही केस है कौन सा? पोजेसिव केस, यानी कि नाउन जब अपना अधिकार दिखाया करता है एपोस्ट्रॉफी एस के साथ तो उसी को कहा करते हैं हम क्या? पोजेसिव केस कह दिया करते हैं। यानी कि ये जो केस है ये कौन सा हो गया? तो ये हो गया आपका पोजेसिव केस। और बात कर लेते हैं चौथा केस, चौथा केस जिसका नाम है क्या? वोकेटिव केस। अब ये वोकेटिव केस क्या हुआ करता है? तो जरा ध्यान से देखेंगे सेंटेंस को। सेंटेंस में आया कि आई नो रोहित, आई नो रोहित। तो आई नो रोहित अगर हम सेंटेंस देखें, आई नो रोहित, तो रोहित को मैं जानता हूं, यानी कि सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है? आई नो रोहित, यानी मैं रोहित को जानता हूं। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में हम हल्का सा चेंज कर दें और यहां पर सेंटेंस में आई नो रोहित की जगह लिख दें आई नो रोहित, इस तरह से, तो सेंटेंस में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, मात्र एक ही तो चीज का चेंज हुआ क्या? कि यहां पर कॉमा लगा दिया गया, लेकिन सेंटेंस के मीनिंग में बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है। और फर्क क्या पड़ गया है? तो ध्यान दें, ऊपर वाले सेंटेंस में अगर हम बात करें तो यहां पर रोहित जो शब्द है वो काम कर रहा है किसका? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इसीलिए यहां पर रोहित जो शब्द है वो ऑब्जेक्टिव केस का है। किस केस का है? ऑब्जेक्टिव केस का है। लेकिन इस वाले सेंटेंस में रोहित जो शब्द है वो ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा, बल्कि काम कर रहा है किसका? तो यहां पर काम कर रहा है किसका? वोकेटिव केस का काम कर रहा है। और हम कैसे कहेंगे वोकेटिव केस इसको? तो देखें, ऊपर वाले सेंटेंस का जो मीनिंग है वो है क्या? आई नो रोहित के, मैं रोहित को जानता हूं। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में आया आई नो, मैं जानता हूं, और ये बात कही जो जा रही है वो किससे कही जा रही है? रोहित से कही जा रही है, यानी कि रोहित इस बात में श्रोता का काम कर रहा है, सुनने वाले का काम कर रहा है, लिसनर का काम कर रहा है, इसीलिए यहां पर रोहित जो है वो किस केस का हो जाता है? वोकेटिव केस का। तो जब जब इस तरह से कॉमा लगा करके आपको लिखा हुआ मिले तो समझ जाएं ये नाउन क्या है? वोकेटिव केस का है। और भी बहुत तरह से हो सकता है, जैसे मान लिया लिख दिया कि गांधी जी, और फिर कॉमा लगा दिया, फिर उनके लिए कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया, और फिर कॉमा लगा के आगे का सेंटेंस लिख दिया गया, तो वहां पर ये जो एडजेक्टिव जो बीच में लगाया गया, यानी कि जो गांधी जी के बाद कॉमा लगा करके यूज किया गया, वहां पर जो भी नाउन इस्तेमाल किया जाएगा वो किस केस का होगा? वोकेटिव केस का। क्लियर? तो देखिए, यहां पर बेसिकली हमने चारों केसेस के बारे में समझा। अब बात करते हैं मेनली डिपेंड किस पर हैं हम? पजेसिव केस पर। यानी कि जो रूल्स की हमने बात की थी ना, तो वो इन केसेस से तो नहीं आएंगे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और वोकेटिव केस से कोई रूल नहीं आएगा, लेकिन हाँ पजेसिव केस से रूल्स आया करते हैं, यानी कि पजेसिव केस से सेंटेंसेस आया करते हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो अब बात करते हैं वही पजेसिव केस की। और पजेसिव केस जैसे कि हम सीधा सीधा समझ पा रहे हैं कि पजेसिव केस किसको कहते हैं, तो जब जब एपोस्ट्रॉफी लगा करता है उसी को हम कहा करते हैं क्या? पजेसिव केस। लेकिन एपोस्ट्रॉफी लगने के भी कुछ अपने नियम हुआ करते हैं, ऐसे ही हर जगह पर एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाया जाता। ठीक, तो बात करते हैं यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफ क्या क्या है, किस किस तरह से एपोस्ट्रॉफ को इस्तेमाल किया जाता है, आइए देखते हैं।
तो देखिए बात करते हैं एपोस्ट्रॉफी एस की। एपोस्ट्रॉफी एस किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, तो अभी अभी हमने बताया पोजीशन जब भी नाउन को अपना दिखाना होगा तो वहां पर वो एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल किया करता है। और कैसे एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल होगा तो जरा ध्यान देते हैं कि एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल किस तरह से होगा। जैसे माना कि कोई भी सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन है कैसे, जैसे मान लिया बॉय हुआ, गर्ल हुआ, या फिर किसी का नाम हुआ। जैसे मान लिया कि कोई भी चीज़ है और वो चीज़ किसी पर्सन की है, पर्सन जैसे, जैसे मान लिया कि कोई चीज़ मोहन की है, तो मोहन की अगर कोई चीज़ है तो मोहन अपना अधिकार दिखाने के लिए apostrophe s दिखाएगा। और माना मोहन की कार है तो इस पर यूज कर लेंगे क्या, मोहन्स कार इस्तेमाल कर लिया जाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई और व्यक्ति हो, जैसे मान लिया कि कोई चीज सीता की है, तो सीता को अपना अधिकार दिखाना है तो वो भी apostrophe s लगाएगी और सीताज बुक इसमें लिख दिया जाएगा। तो सीता बुक पर अधिकार दिखा रही है, मोहन कार पर अधिकार दिखा रहा है, और दोनों ही कैसे हैं, लिविंग नॉन लिविंग के साथ apostrophe s का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन जब हम यूज कर रहे हैं apostrophe s का तो हमें यह भी पता होना चाहिए, मान लिया कि कोई शब्द है, जैसे हमने इस्तेमाल किया मोहन तो मोहन्स कार हो गया, वैसी सीता तो सीताज बुक हो गया। लेकिन अगर कहीं पर कोई शब्द हो जाता है विकास, अगर यही शब्द विकास कार होता तो क्या ये चीज सही है, तो विकास कार क्या सही है, तो नहीं, विकास कार सही नहीं है। और क्यों सही नहीं है, क्योंकि जब जब apostrophe s का प्रयोग किया जाता है तो हमेशा ध्यान रखें कि अंतिम शब्द s नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर नाउन का अंतिम शब्द s नहीं है तब तो apostrophe के साथ s लग जाया करता है, लेकिन अगर नाउन का अंतिम शब्द s है तो apostrophe तो लगेगा लेकिन उसके साथ s का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी जब apostrophe के साथ s लग रहा था तब तो ये गलत था, लेकिन अब apostrophe तो लग रहा है लेकिन s का प्रयोग नहीं किया जा रहा तो ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि अगर विकास जो शब्द है, चूंकि उसका अंतिम शब्द s है, इसीलिए वहां पर जो s की साउंड है वो ऑलरेडी आ रही है किसमें, विकास में, और विकास में ऑलरेडी s की साउंड आ रही है, इसीलिए वहां पर apostrophe का इस्तेमाल तो किया जाएगा लेकिन उसके साथ s का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसी प्रकार मान लिया और बहुत से नाम हो जाते हैं, जैसे हो गया प्रभास, तो प्रभास में भी तो सेम है, अंतिम शब्द s है तो यहां पर भी apostrophe लगाएंगे लेकिन s का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो प्रभास मूवी, यानी कि वहां पर भी apostrophe s का प्रयोग ना करते हुए सिर्फ apostrophe का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि समझने की बात क्या है कि जब जब कभी किसी भी शब्द का अंतिम शब्द s हो तो उसमें apostrophe तो लगता है लेकिन उसके साथ s का प्रयोग नहीं किया जाता। बात करते हैं आगे की, तो सिर्फ उसी जगह पर apostrophe के साथ s का प्रयोग नहीं किया जाता जहां पर अंतिम शब्द में s लग रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर अंतिम शब्द में s ना भी लगा हो और s की सिर्फ आवाज आ रही हो तो वहां पर भी सेम रूल फॉलो किया जाता है। जैसे जैसे कि मान लिया कि हमने देखा सेंटेंस में कुछ शब्द आ गया इस तरह से, फॉर जस्टिस सेक, फॉर जस्टिस सेक, तो जब दुहाई देने के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर गुडनेस सेक, फॉर काइंड सेक, तो इस तरह से ही यूज कर लिया गया फॉर जस्टिस सेक। अब जस्टिस सेक में जस्टिस जो शब्द है उसमें अंतिम शब्द एस नहीं है, उसके बावजूद हमने apostrophe के बाद एस का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ apostrophe लगा दिया और वहां पर इस्तेमाल कर लिया गया क्या, फॉर जस्टिस सेक। और इसी तरह से हम यूज कर लेते हैं किसका, apostrophe का यूज कर लेते हैं, यानी कि जब जब अंतिम साउंड एस की हो या फिर अंत में एस आ रहा हो तो apostrophe साथ s का प्रयोग नहीं किया जाता। और इस अंतिम साउंड जो s की हुआ करती है इसको हम इंग्लिश में कह देते हैं हिजिंग साउंड। क्या कह देते हैं, हिजिंग साउंड, यानी कि जब जब हिजिंग साउंड आ रही हो तो वहां पर apostrophe के साथ s का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे जस्टिस सेक में हो गया, उसी प्रकार फॉर कॉन्शियंस सेक में हो जाया करता है, वैसे ही कर लेंगे फॉर पीस सेक, तो पीस में भी सेम साउंड है किसकी, तो सी और ई मिलकर के एस की साउंड बना रहे हैं और वो साउंड बन रही है कौन सी, हिजिंग साउंड। तो जब जब हिजिंग साउंड आ रही हो या फिर अंतिम शब्द एस हो तो वहां पर apostrophe के साथ एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, अगर आप कर रहे हैं तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की, तो यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। तो जब हमने बात की कि सिंगुलर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो apostrophe के साथ एस लगेगा, लेकिन अगर अंतिम शब्द एस है या फिर हिजिंग साउंड आ रही है तो apostrophe तो लगेगा लेकिन एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं एक और, अभी हमने जिक्र किया सिंगुलर के साथ, अच्छा जब सिंगुलर होगा तब तो हमने ये मान लिया, लेकिन अगर प्लूरल होगा तो क्या करेंगे, तो भाई प्लूरल होगा तो हम अच्छे से जानते हैं, जैसे कि शब्द आ रहा है बॉय, तो अगर हम कहें द बॉयज कार या द बॉयज कार, अब हमने दो सेंटेंस लिखे या फिर दो
एग्जाम्पल हमने लिखे आपके सामने द बॉयज कार और द बॉयज कार, अब इन दोनों में से सही कौन सा है, यानी कि ये वाला सही या फिर ये वाला सही? तो देखिए गलती कोई से में नहीं है, दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन दोनों का जो मीनिंग है उसमें डिफरेंस है। और मीनिंग में डिफरेंस क्या है कि द बॉयज कार, तो ये जो कार है वो लड़के की कार है, यानी लड़का सिंगुलर है, और चूंकि लड़का सिंगुलर है इसीलिए एपोस्ट्रोफी भी लगा और उसके साथ एस का प्रयोग भी किया गया। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है वो कहा गया क्या, द बॉयज कार, यानी कि ये जो कार है वो लड़कों की कार है, यानी कि लड़के ज्यादा हैं, एक से ज्यादा है, और चूंकि एक से ज्यादा है इसलिए शब्द क्या बना, बॉयज बना, और चूंकि शब्द बॉयज बन गया यानी अंतिम शब्द क्या हो गया था, एस हो गया था अंतिम शब्द, इसीलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी तो लगा लेकिन उसके बाद एस का प्रयोग नहीं किया गया। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि एपोस्ट्रोफी के साथ एस का प्रयोग तब नहीं करेंगे जब अंतिम शब्द एस हो, जैसे कि प्लूरल में हो जाया करता है। क्लियर? अब देखिएगा इससे अगली बात करते हैं, तो यहां तक कि हमने तीन बात समझी उससे अगली बात कर लेते हैं। तो देखिएगा जब भी कभी पर एल्स का प्रयोग किया जा रहा हो, किसका प्रयोग किया जा रहा हो, एल्स का प्रयोग किया जा रहा हो, और एल्स का प्रयोग किया जा रहा हो और एल्स से पहले कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन आ रहा हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन एल्स से पहले इस्तेमाल किया गया हो, और इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से हुआ करते हैं, तो प्रोनाउन क्या हुआ करते हैं, वे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वैसे ही अगर वे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको तो प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन अगर वो प्रोनाउन डेफिनिट ना हो, जैसे मान लिया मैंने कहा राम हैज स्टोलन माई वॉच, तो राम ने मेरी घड़ी चुरा ली, लेकिन अगर हम राम की जगह पर लगा दें समवन हैज स्टोलन माई वॉच, तो वहां पर समवन जो शब्द है वो डेफिनिट नहीं कर पा रहा कि किसने घड़ी चुराई है, और चूंकि वो डेफिनिट नहीं कर पा रहा इसीलिए वो प्रोनाउन कैसा है, इनडेफिनिट है। प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि वो राम के स्थान पर प्रयोग किया गया है, तो उसी इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद अगर कहीं पर भी एल्स शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो एल्स शब्द का प्रयोग किया गया हो तो एपोस्ट्रोफी अगर लगाएंगे तो फिर किस में लगाएंगे, एल्स में लगाया करते हैं, ना कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में। और इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से हो सकते हैं, तो समवन समबडी समथिंग, एनीवन एनीबडी एनीथिंग, नो वन नोबडी नथिंग, ये सभी क्या हुआ करते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ करते हैं। वैसे ही जैसे आ गया समवन या समबडी, Someone else life, तो ये बात क्या हमने अभी भी बताया कि ये चीज गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि भैया जब जब कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन आ रहा है उसके साथ else लगा हुआ है तो apostrophe किस में लगेगा, else में लगेगा, someone में नहीं लगेगा, यानी कि यहां पर गलती है। और गलती क्या है, तो someone और else लगा दिया जाएगा और लाइफ लगा दिया जाएगा, यानी ये बात सही है और ऊपर वाली बात गलत थी। तो बात समझ में आई यहाँ तक की? तो ये चार बातों की जो बात हुई वो बात आपको क्लियर हो गई होगी। इनसे रिलेटेड आपके वैसे ही एरर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, ठीक, कई तरह से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं इतना ही छोड़ते हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान से रखेंगे। हमने केसेस के बारे में जिक्र किया, हमने बात की इनसे रिलेटेड रूल्स की, तो इस वीडियो में इतना ही, बात करेंगे अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में हम जो आएंगे वो काफ़ी सारे एरर्स के क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो उसके लिए तैयार रहें, इन रूल्स को रिवाइज कर लेंगे एक बार अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एरर डिटेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।